इतिहास के, देश की सुरक्षा के अंदर सुवर्ण अक्षर से लिखी थी। और हमेशा सीआरपीएफ और पूरे देश को ये दोनों घटनाओं को पर गर्व होता है, इसीलिए 9 अप्रैल को हम शौर्य दिन के रूप में भी मनाते हैं। मित्रों, एक जमाना था जब नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट थिएटर, कश्मीर में पाक प्रेरित आतंकवाद, 90 के दशक में इस सभी जगहों पे हिंसा चरम सीमा पर थी और देश की आंतरिक सुरक्षा का दृश्य देखकर देश के हर नागरिक के मन में चिंता होती थी कि देश का भविष्य क्या होगा, देश के भविष्य को हम कैसे सलामत रखेंगे, हमारे सार्वभौमत्व को कैसे अक्षुण बनाकर रखेंगे, देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे संभालेंगे। मगर कुछ ही सालों में, 2 दशक के कम समय के अंदर सीआरपीएफ ने, चाहे नक्सलवाद का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर का थिएटर, सभी जगह पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय बताते हुए देश को छीन विछीन करने वाली शक्तियों को समाप्त करने के कगार पर आज सीआरपीएफ पहुंचा है। मैं देश के गृह मंत्री के नाते सीआरपीएफ के जवानों को फिर से एक बार हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि तीनों क्षेत्र में आपने जो शौर्य दिखाया है, इससे आज देश की जनता चैन की सांस ले रही है। मित्रों, लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव, चुनावी हमारे संविधान के, लोकतंत्र के परिपेक्ष की पूर्ति करता है और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव, मत की अभिव्यक्ति निर्भीक रूप से हो, वो चुनाव की आत्मा होती है। और देश में जब जब कभी भी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, जब कभी भी चुनाव होते हैं, देश के अंदर सबसे बड़ी ड्यूटी, सबसे बड़ी ड्यूटी का निर्वहन करने वाला कोई सशस्त्र बल होता है तो अपना सीआरपीएफ होता है। और देश के अंदर लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ का है, क्योंकि निर्भीक चुनाव और निर्भीक मत की अभिव्यक्ति के बगैर कोई भी लोकतंत्र अपने आप को मजबूत नहीं रख सकता। मैं सीआरपीएफ के जवानों को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आरएएफ की टुकड़ियों की स्थापना के बाद एक जमाने में भीषण दंगे देश भर में दिखाई पड़ते थे, आरएएफ ने कम से कम बल प्रयोग के साथ दंगों को कंट्रोल करने की, दंगों पर काबू पाने की नई पद्धतियां भी विकसित की है और वो पद्धतियों के अंदर महारत भी हासिल की है। दृढ़ता इतनी ही है जितनी होनी चाहिए, मगर कम से कम बल प्रयोग के साथ दंगाइयों को